गुड आफ्टरनून, वेलकम क्लास टेंथ, चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एक्सरसाइज 12.3, क्वेश्चन नंबर 6। इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ ए रेडियस 32 सेंटीमीटर अ डिज़ाइन इज फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इन द मिडिल एज शोन इन ए फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन। हमें फिगर में गिवन है स्टूडेंट कि एक फिगर है हमारे पास जिसका डिजाइन का एरिया फाइंड करना है, जिसमें हमको क्या गिवन है, इसका रेडियस 32 सेंटीमीटर। ये दो तरीके से फाइंड हो सकता है स्टूडेंट। सर्कल के एरिया में से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ सर्कल के लिए रेडियस तो है बट इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं है स्टूडेंट, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट कि अगर हम इस सेंटर का एंगल फाइंड कर लें और सेंटर का एंगल फाइंड करने के बाद इस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं और इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के बाद इसमें थ्री सेगमेंट बन रहे हैं और थ्री की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है बट मैं आपको पहले मेथड से फाइंड कर रहा हूँ कि मुझे सर्कल का एरिया तो ईजिली फाइंड कर सकता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए मुझे ट्रायंगल का क्या चाहिए, साइड चाहिए। ट्रायंगल की साइड फाइंड करने के लिए मैं क्या प्रोसीजर यूज करता हूँ, पहले मैं इसका सेंटर का एंगल फाइंड करूँगा। क्लास नाइन्थ की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल में जो सेंटर का एंगल होता है वो ऑलवेज आर्क पे बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। वही प्रोसीजर मैंने यहाँ पर यूज किया। यहाँ पर रेडियस मेरे पास 32 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटर का एंगल BOC है और आर्क का एंगल BAC है, तो सेंटर का एंगल ऑलवेज आर्क के एंगल का डबल होता है। तो एंगल BOC इज इक्वल टू 2 × 60 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। तो BOC हमारे पास कितने का आ गया, 120 डिग्री का। अब मुझे इस ट्रायंगल की साइड फाइंड करने के लिए मैंने ट्रायंगल BOC लिया, उसको अलग से लिया और O से BC पर OM परपेंडिकुलर डाला और वहाँ से दो ट्रायंगल फॉर्मेड हुए, जी दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके ये छोटा सा एंगल इस छोटे से एंगल के इक्वल करूँगा और BM CM के इक्वल कर दूंगा बाय CPCT। तो ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन BC इन ट्रायंगल BOM एंड ट्रायंगल COM। एंगल BOM और एंगल COM ये दोनों 90 डिग्री के हैं। OB OC दोनों इक्वल दे रखे हैं क्योंकि रेडियस हैं ये। OM और OM कॉमन है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल बाय RHS प्रॉपर्टी से क्या हुए स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट हुए। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल BOM कॉन्ग्रुएंस टू द ट्रायंगल COM CMO। वी नो दैट इफ द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर द इक्वल बाय CPCT। तो एंगल BOM इक्वल टू द एंगल COM बाय CPCT। तो एंगल BM इक्वल टू द CM बाय CPCT। इट मीन्स ये छोटा सा एंगल इस छोटे के एंगल इक्वल हो गया, BM CM के इक्वल हो गया। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम लोग BOM फाइंड करेंगे इक्वल टू द COM जो हाफ हो जाएगा एंगल BOC के, जो 1/2 × 120 डिग्री, ये किसके हो जाएगा 60 डिग्री के। तो एंगल BOM और एंगल COM कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अब हम इसमें ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे BMO, बाय ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, बाय ट्रिग्नोमेट्री रेशो से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें दो एक्यूट एंगल है, अगर मैं इस एक्यूट एंगल से फाइंड करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। एंगल की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसकी एडिशन साइड बेस हो जाती है। अगर मैं इस बेस एंगल से फाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल की अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। तो मुझको तो क्या चाहिए, BM चाहिए। तो मैं बेस अपॉन, ये हाइपोटेनियस का भी चेंज होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है। BM बेस है, हाइपोटेनियस 32 है, थीटा की वैल्यू कॉस 30 डिग्री है, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। तो BM इज इक्वल टू √32 मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये 16 बार कट जाएगा। तो BM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16√3 सेंटीमीटर। इससे हम BC फाइंड कर लेंगे क्योंकि BM और CM दोनों इक्वल हैं। तो BM प्लस CM इज इक्वल टू 16√3 + 16√3, ये कितना आ जाएगा, 30√2√3 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डिज़ाइन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ द डिज़ाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला πr² - √3/4
साइड का स्क्वायर, साइड को मैंने यहाँ पे ए लिया है, तो 22/7 मल्टीप्लाई 32 का स्क्वायर, रेडियस हमें 32 गिवन है, माइनस √3/4 हमने साइड 32 √3 का होल स्क्वायर, तो इसको हमने लिखा 22/7, 32 को 2 टाइम्स, माइनस √3/4, 32 √3, 32 √3, 4 से ये 8 बार कट गया, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरीके से आया, 22,522/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डिज़ाइन का ये हमारा एरिया आ गया। मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इसका सेकंड फार्मूला क्या है, इसको सेकंड मेथड क्या है कि आप इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करिए, और इस सेगमेंट का एरिया ये माइनर सेगमेंट है, और माइनर सेगमेंट आपके पास एरिया निकलते ही आपके पास 3 सेगमेंट बन रहे, आप उसमें 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, 120 डिग्री। बट लेटेस्ट जो न्यूज़ है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी इस चैप्टर के थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री वाले क्वेश्चन है उनको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करना।